हेलो एवरीवन गाइस, मैं ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बना रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो में जो बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी उन बातों पर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तौर तरीके से अमल करेंगे, क्योंकि बात अब जिंदगी की है और मौत की है, ये नॉर्मल बात नहीं है। जी हाँ, आप सब देख रहे हो कि हमारे देश में चाइना से एक वायरस उठकर आया और उसने क्या किया, पूरे देश में ऐसे तबाही मचा दी, मतलब पूरे देश में हड़कम मच गई है सिर्फ एक वायरस की वजह से। कैन यू इमेजिन कि अगर ये वायरस आपको हो जाए तो आप क्या करोगे? मतलब आप लोगों को मालूम है कि अभी इस चीज को कोई नहीं सोच रहा है, पर मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से सोचा समझा और मैंने सोचा कि मैं अगर इस चीज को सोच समझ सकती हूँ तो क्यों ना मैं अपना मैसेज सबको पहुंचाऊं और सब लोग इस बात पर अमल भी करें। आप लोगों को पता है कोरोना वायरस चाइना से उठकर आया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि चाइना वालों ने जान पूछकर ये वायरस बनाया हो पूरे विश्व में फैलाने के लिए और उन्हीं के ऊपर वो उल्टा फैल गया। उन्होंने क्यों बनाया होगा? मेरी सोच ये है कि उन्होंने इसलिए बनाया होगा बिकॉज जस्ट अर्न करने के लिए कुछ सालों बाद वो उसकी मेडिसिन निकाल देंगे, वैक्सीनेशंस निकाल देंगे और फिर देशों से जो बाकी देश है उनसे भारी मोटी रकम में वो दवाइयां बेचेंगे और उन दवाइयों से अर्न करेंगे। इट्स अ सेकेंड मैटर। ये जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आई नो इस बात को लेकर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आएंगे, किसी के अच्छे आएंगे, किसी के बुरे आएंगे, बट आई डोंट केयर बिकॉज मैं आप सबको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ गाइज, कोरोना वायरस कोई ऐसा वायरस नहीं है कि वो आपके सामने आएगा और खड़ा होकर आपको बोलेगा कि मैं वायरस हूँ और मैं आपके अंदर प्रवेश होने जा रहा हूँ तो आप मुझे इजाजत दे दीजिए आपके शरीर में घुसने के लिए। ये चीज दिमाग से निकाल दो। इट्स टोटली नॉट लाइक दैट। सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं, भगवान ना करे ये डिसीज किसी को हो, बट मैं आपको बता दूं कि ये ही क्या ऐसा कोई भी मतलब डिसीज नहीं है, इवन वर्ल्ड में ऐसा कोई डिसीज नहीं है जो आपसे पूछ कर आपके शरीर में प्रवेश करता है। कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है। आप लोग देख रहे हो, इवन मैंने बहुत सारे अभी रिसेंटली बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे, बहुत सारे लोग लाइक पार्क में जा रहे हैं, गार्डन्स में जा रहे हैं, जस्ट टिकटॉक एंड लाइक ऐप एंड जो भी सोशल मीडिया के वीडियोस होते हैं उनको जस्ट बनाने के लिए। सो गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में आपके बच्चे ऐसा कर रहे हैं या आपके ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स जो भी ऐसा कर रहे हैं, प्लीज आप उनको रोकिए। आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप लोग उनको रोको और आप उनको बताओ कि मतलब इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल डेज गाइज, प्लीज आप लोग सीरियस लो इस डिसीज को। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो मैं आज ही मार्केट गई और मैंने मार्केट में देखा, इवन राइट नाउ आई एम इन नासिक महाराष्ट्र में, और आप लोग को पता है कि इंडिया के सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में हैं। फिलहाल 32 केसेस आ चुके हैं इसके। आई डोंट नो कि और कितने केसेस आने बाकी हैं। परसों से एक दिन पहले मैंने सुना था इट वॉज 73 इन आर कंट्री एंड उसके बाद इट वॉज लाइक 82 केसेज एंड राइट नाउ दे आर इट्स 110 केसेज आर देयर इन इंडिया। सो लाइक कैन यू इमेजिन यार 110 कितने होते हैं। और येस वन मोर थिंग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि कोरोना वायरस है क्या और कोरोना वायरस किस तगार में फैल रहा है। आधे लोगों को तो मालूम ही नहीं है इस चीज के बारे में। मतलब जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, मैं किसी की तुलना नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट एक मैसेज दे रही हूँ, आप लोग को बता रही हूँ। लाइक आप लोग अपने घर में मेड्स को ही देखिए, उनको तो पता ही नहीं होगा कि कोरोना वायरस क्या है, किस तरीके से वो अंदर घुस रहा है और किस तरीके से वो देश में फैल रहा है। और कुछ लोगों को तो होगा लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो सोच रहे होंगे कि इट्स अ नॉर्मल फीवर, इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स अ नॉर्मल कफ कोल्ड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो गाइज आप लोगों का कर्तव्य सिर्फ अपने आप को बचाना नहीं है, आप लोगों का मेन कर्तव्य है, मुख्य कर्तव्य जिसको बोलते हैं, कि आप लोगों के आसपास जितने भी गरीब लोग हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, जो टीवी न्यूज चैनल्स नहीं देखते हैं, कृपया करके मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर इस चीज की विनती करती हूँ कि आप लोग उनको बताएं। और अगर आपके आसपास में ऐसे केसेस हो रहे हैं तो आप कृपया करके उन्हें मोटिवेट कीजिए और उन्हें हॉस्पिटल भेजिए, बिकॉज 110 केसेस आए हैं हमारी कंट्री में
वो हम जैसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, आप जैसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनको अपनी हेल्थ की केयर है, वो इंसान है जिनको पता है कि कोरोना वायरस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, अगर हमें फीवर है तो हमें दिखाना चाहिए, वो लोग हैं। कैन यू इमेजिन ऐसे कितने लोग होंगे हमारे देश में जिनको पता ही नहीं है कि उनको कोरोना वायरस है, अगर उनको फीवर आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, मतलब कैन यू इमेजिन। सो गाइस प्लीज आप लोग मेरी बात मानिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो लोगों तक पहुंचे, एक मैसेज जाए। आज मैं मार्केट गई थी, मैंने मार्केट में देखा एवरीथिंग इज क्लोज्ड, सब कुछ बंद था, नॉट इवन अ सिंगल रेहड़ी वाले भैया वॉज देयर, कोई वहां पर नहीं था। समहाउ मैंने बहुत ढूंढा, मैं घूमी फिरी, देन मुझे एक मेडिकल स्टोर मिला और मैं मार्केट जस्ट गई थी सिर्फ ये मास्क खरीदने, बिकॉज आई नो मुझे रोज बाहर जाना होता है एंड हाउ इज दिस मास्क इम्पॉर्टेंट फॉर मी, मैं जानती हूँ कि ये मास्क मेरे लिए कितना ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। गाइज इट्स हार्डली 10 रुपीज का है, हम दिन में ना जाने कितने रुपए दोस्तों पर, फ्रेंड्स पर और लाइक फैमिलीज पर और शॉपिंग मॉल में, मूवी थिएटर में कितने रुपए खर्च करते हैं। गाइज जस्ट बाय दिस मास्क, सिर्फ अपने लिए ही नहीं खरीदो आप लोग ये मास्क, आप लोग अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने फ्रेंड्स नेबर्स जो भी आपके लव वंस हैं आप उनके लिए खरीदो और उनको बताओ कि गाइज, उनको आप ये चीज बताओ कि इट्स नॉट अ नॉर्मल डिसीज, इट्स नॉट अ नॉर्मल वायरस, कि अगर आप लोगों को लगता है कि ये तो ऐवे ही है, नो आप तो इसको फैशन के तौर पर भी पहन सकते हो, लाइक सी आप लोग इसको ऐसे भी पहन सकते हो, लाइक बिकॉज ये क्या करता है मास्क, क्या करता है आपकी नोज को, आप जो इनहेल कर रहे हो, आप जो बाहर की हवा इनहेल कर रहे हो, उस हवा को आपके अंदर आपको इनहेल करने से रोकता है, बिकॉज ये जो वायरस है ये सबसे ज्यादा एयर के थ्रू फैल रहा है, कम्युनिकेशन इज अनदर थिंग, एयर के थ्रू ज्यादा फैल रहा है। तो गाइज मैं आप सबको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग फाउंडेशंस चलाते हैं, जो लोग दान करते हैं, तो अगर आप लोग जगह जगह गरीबों को ये 10 रुपए का एक मास्क, अगर आप 100 मास्क भी खरीदते हो तो आपके पैसे कहीं नहीं जाते, हो सकता है कि आपके कारण किसी की लाइफ सेव हो जाए, किसी की जिंदगी बच जाए, बिकॉज गाइज उस इंसान के पढ़े लिखे होने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोग इस टाइम पर, जिस टाइम पर हमारा देश सबसे ज्यादा खतरनाक एक वायरस के घेरे में है, अगर आप अपनी पढ़ाई को, अपने ज्ञान को, अपने विज्ञान को, अपनी एजुकेशन को, अपने नॉलेज को अगर आप अभी अपनी कंट्री के लिए नहीं लगा रहे हो, तो आपका पढ़ा लिखा सब बेकार है, आपकी घर में रखी हुई अलमारी में सारी डिग्रियां सब खराब है। हमारे देश की इंडियन आर्मी बॉर्डर पर 12 महीने 365 दिन खड़े होकर वहां पर आप लोगों की रक्षा करती है, तो अब आपका एक छोटा सा कर्तव्य बनता है, प्लीज बाय दीज मास्क। अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है, आप लोग मास्क नहीं खरीद सकते हो, तो डू वन थिंग, आप अपने और अपनी फैमिली के लिए खरीद लीजिए, बाकी लोगों को आप अपने नॉलेज से समझा दीजिए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, हो सकता है कुछ दिनों में शॉप्स मार्केट्स परमानेंटली क्लोज होने वाले हैं, तो मैं आप सबको एक बात बता दूं, ये चीज मैंने भी कर ली है, अपने घर में आप लोग सारी चीज खरीद कर ले आओ, मतलब आप लोग अपना 2 महीने का या 1 महीने का ऐसा मतलब घर को भर दो कि आप अगले 2 महीने घर से बाहर नहीं जा रहे हो, बिकॉज मैंने ऐसे कर लिया है, बिकॉज आई एम वेरी लाइक मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मतलब क्या नहीं खरीदा मैंने, सब्जी एंड राशन एंड ऑल, मैंने भैया को बोला जस्ट गो एंड बाय एवरीथिंग, नॉट इवन सिंगल थिंग, कुछ नहीं छूटना चाहिए, सब कुछ खरीद के लाओ, बिकॉज नेवर नो क्या हो आगे, फ्यूचर का कोई नहीं बता सकता है, ना मैं बता सकती हूँ ना आप बता सकते हो। सो जस्ट ये वीडियो क्रिएट करने का, इवन मैं वीडियो क्रिएट नहीं करना चाहती थी, बट जैसे जैसे टीवी पर मैं देख रही हूँ और मैंने आसपास के लोगों को देखा, बच्चे हैं, छोटे बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, बाहर दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, भाग रहे हैं रोड पर, उनको फिक्र ही नहीं है। सो मतलब मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मतलब एक मैसेज देना चाहती हूँ कि इट्स नॉट अ नॉर्मल वायरस, इट्स कोरोना वायरस, ओके।
आप इसको हल्के में मत लो, बिकॉज अगर ये एक बार हो गया तो भगवान ना करे ये चीज किसी को हो, बट अगर एक बार हो गया तो आपकी इसमें जान भी जा सकती है। और किसी ने ये नहीं सोचा है कि किसी भी इंसान की जान इस वायरस के तरीके से जाएगी। चाइना, मेड इन चाइना, हमारे देश में कितने साल पहले से मतलब लोग बोल बोल के थक गए हैं, मूवीज बनाकर थक गए हैं कि मेड इन चाइना जिस पर लिखा है बंद करो वो चीजें खरीदना, बट हम लोग सस्ते के चक्कर में, कॉपी के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, उनको खरीद लेते हैं। और यही चीज है जो हम ही लोग बढ़ावा देते हैं चाइना वालों को, और आप लोगों ने बढ़ावा दिया तो उसका नतीजा आप देख सकते हो। यदि कुछ साल पहले अगर हम ही उस चीज को बंद कर देते यूज करना, इवन इट वॉज माई मिस्टेक ऑल्सो, बिकॉज आई रिमेम्बर्ड लास्ट दिवाली पर मैंने मेड इन चाइना के लाइट्स खरीदे थे, एंड मतलब मुझे इस चीज का बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे वो चीज नहीं खरीदनी चाहिए। एज अ सोशल वर्कर इट्स रियली मतलब मुझे इट्स रियली सॉरी टू मी, सॉरी टू ऑल कि मैंने वो चीज खरीदी। सो गाइज मैं आप सबको यही बोलना चाहूंगी, प्लीज चाइना की हर चीज से दूर रहो। चाइना सिर्फ शॉर्टकट की ही चीजें पकड़ता है, बनाता है, बेचता है सिर्फ अपनी अर्निंग के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। सब चीज मतलब इंडिया में सब ऐसे तबाही, आप लोगों ने, मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों ने जॉम्बीज वाले मूवीज देखे हैं? सिंपल कट बताती हूँ क्या होता है जॉम्बीज वाली मूवीज में। लाइक एक जॉम्बी होता है, उसको एक डिसीज हो जाती है, वो लाइक ऐसे ऐसे करके बन जाता है, और वो मतलब एक टाइप से लाश होता है, मतलब जिंदा लाश होती है जो भूत की तरह चलती है। और वो क्या करता है, अगर उसने किसी को टच कर दिया तो वो भी जॉम्बी बन जाता है, फिर उसने किसी को टच कर दिया, मतलब जितने जॉम्बीज हैं वो जिस जिसको टच करेंगे वो सब जॉम्बीज बन जाएंगे। कैन यू इमेजिन कि मतलब आप लोग इस डिसीज को ना जॉम्बीज की तरह सोचो कि ये डिसीज कोरोना वायरस तो है, इसका सेकंड नाम जॉम्बीज वाली डिसीज है। तो जस्ट इमेजिन कि कोरोना वायरस क्या है, हाथ मिलाने से, टच करने से, छूने से ही तो फैल रहा है ना, तो इट्स टोटली लाइक अ जॉम्बीज यार। तो आप लोग मतलब जस्ट इमेजिन यार, देश खत्म हो जाएगा। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो अपने देश के प्रति लगाव रखते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ, और आप लोगों को मेरा पेज देखकर ही पता लग जाएगा। जिन लोगों को मेरा पेज देखकर नहीं पता है तो आप लोग मेरे पेज को स्क्रॉल करो, मुझे इंस्टा पर फॉलो करके देखो, आपको वहां से पता लगेगा कि मैं कितनी बड़ी देशभक्त हूँ, बिकॉज मैं अपने देश के लिए बहुत प्यार करती हूँ, उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और आई वॉन्ट कि अगर आप लोग अपने देश से प्यार नहीं करते हो मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने आप से प्यार करते हो, अपनी फैमिली से प्यार करते हो, अपने बच्चों से प्यार करते हो, तो प्लीज आप उनको घर के बाहर जाने से रोको। आई नो घर में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो आप उनको एग्जाम्स देने दो, उनको समझाओ कि बच्चे आपको जितनी मस्ती करनी है, जितनी मौज मस्ती करनी है, आप सारी मस्ती आप करो, आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन कुछ महीनों के बाद, आज 110 हुआ, आई एम टेलिंग यू ये 500 से 1000, 1000 से 2000 और 5000 भी जाएगा अगर आप लोगों ने सख्त एक्शन नहीं लिया, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। आप लोग कहीं भी जा रहे हो प्लीज इस मास्क को यूज करो। आपको पता है मैंने ये मास्क, आज मैंने 10 मास्क खरीदे हैं, एंड यस लेट मी टेल यू, आज मैं अपने लिए ये ग्लव्स भी खरीद के लाई हूँ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं, आई डोंट नो आप लोग कितने अवेयर हो इस मतलब डिसीज को लेकर, बट मैंने इस डिसीज के बारे में बहुत पढ़ा है। और हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ट्रेवल करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो क्या होता है उसमें लोग मिलते हैं। अभी आपने देखा कि नोएडा में यूपी के अंदर एक कंपनी के मालिक को कोरोना वायरस था, तो उसके उस कंपनी के 750 जो कर्मचारी थे सबको सबका टेस्ट चल रहा है। सबका टेस्ट क्यों चल रहा है, बिकॉज हो सकता है कि उस मालिक के ग्रफ्त में, उस मालिक के टच में जितने भी लोग आए हो उन लोगों को कोरोना वायरस हो सकता है। तो इसीलिए तो गाइस प्लीज आप लोग इस ग्लव्स को भी खरीदो, हार्डली 10 रुपए का आता है मास्क और ग्लव्स, कुल मिला के 20 रुपए के आते हैं, 20 रुपए में कुछ नहीं जा रहा, आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डोंट फील शेम हम इसको पहनेंगे बाहर जाएंगे, नहीं, आप अब अपने लिए लड़ो, अपने लिए फैशन करो, इट्स नॉट लाइक अ फैशन। अगर आपको शर्म है तो फैशन के तौर पर पहन लो, सर्दियों में भी तो ग्लव्स पहनते हो ना आप लोग,
कुछ भी काम कर रहे हो, आप लिख रहे हो, किसी से मिल रहे हो, पहली बात तो अगर आप अपने किसी फ्रेंड से मिल रहे हो तो आप या तो दूर से हाय करो, नमस्ते करो, या जस्ट वर्बली उसको हेलो बोल दो, दैट्स ओके. बट गाइज प्लीज लेट मी टेल यू वन थिंग, आप लोग ऐसा कोई भी काम मत करो कि आपको किसी को टच करने का मौका मिले या आप किसी को टच करो, बिकॉज हो सकता है कि आपको वायरस हो, आपके थ्रू उसमें चला जाए, या आप जिससे मिल रहे हो उसके थ्रू ये वायरस आप में आ जाए. सो नोबडी इज अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, प्लीज आप इसको इजीली मत लो, इट्स वेरी हार्मफुल. और मैं इतनी ज्यादा मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करके बैठी हुई हूँ, इट्स नॉट लाइक कि मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ इस वायरस से. ऑब्वियसली अगर जब सवाल जिंदगी और मौत का आता है तो हर इंसान कांपता है उसके आगे, और यही हाल मेरा भी है, एंड आई नो आप लोग का भी यही हाल होगा, बट आप लोग इस चीज को बहुत लाइटली ले रहे हो, इजीली ले रहे हो. गाइज इट्स नॉट अ इजी थिंग, कैंसर है, कैंसर हमारे कंट्री में अब तक सबसे बड़ा डिसीज चल रहा था. क्या होता है कैंसर से, फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज में बंदा ठीक हो जाता है, बट जो फाइनल स्टेज होता है उसमें वो नहीं बच पाता. बट ये कैंसर का भी बहुत बड़ा बाप है, यू हैव ओनली 21 डेज. अगर आपको कोरोना वायरस हो गया तो आपके पास खाली 21 से 28 दिन है, या तो आप जी जाएंगे या आप अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे. तो जिंदगी से हाथ धो बैठने से अच्छा है आप लोग डिटॉल से अपने हाथ धो, जो भी काम कर रहे हो दिन में कम आप 10-15 बार हाथ धो, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, वॉशरूम जाने से पहले, वॉशरूम जाने के बाद, नहाने से पहले, सो के उठ रहे हो, सोने जा रहे हो, ब्रश कर रहे हो, बाहर से आए हो, ड्राइविंग करके आए हो, सॉरी पानी पी रहे हो, जो भी कर रहे हो हाथ को जरूर धो. और खासकर मैं मदर्स के लिए चीज बोलना चाहती हूँ, जो लेडीज अभी फिलहाल प्रेगनेंसी पीरियड में चल रही हैं, आप लोगों के लिए दीज ग्लव्स एंड दीज मास्क आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपको कुछ भी होता है तो इट विल डायरेक्टली इम्प्लेंट ऑन योर बेबी. सो प्लीज आप लोग अपनी लाइफ को, लाइफ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो. और जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप अपने घर के बड़े सदस्य हैं, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने घर में सभी को ये वीडियो दिखाएं अपने इस वीडियो के जरिए. अगर आप नहीं दिखाना चाहते हो तो आप इस वीडियो में जो बातें सुनी है आपने, इतनी अच्छी अच्छी बातें, आप जस्ट उनको वर्बली बता दो, उनका थोड़ा सा ध्यान, बिकॉज बच्चे होते हैं वो बहुत नॉटी होते हैं, बहुत नटखट होते हैं, और बच्चों को इस डिसीज के बारे में कुछ नहीं पता. तो आप लोग उनको कृपया करके थोड़ा सा बताइए, इस डिसीज के बारे में बताइए, इसके सिम्टम्स बताइए, ये कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, इसके होने के बाद क्या होगा, कैसे हो सकता है. तो जस्ट हार्डली अ मैटर ऑफ 1 or 2 months, हम लोग पूरे दिन बाहर घूमते हैं बेलों की तरह, आप लोग जस्ट मुश्किल से 60 दिन घर में बैठ जाइए, जैसे ये डिसीज कम होगा दोबारा से स्कूल जाना, मौज मस्ती, मतलब जिंदगी चली गई. तो मैं आपको बता रही हूँ कुछ नहीं है, जिंदगी है तो ही जीवन है, और हेल्थ है तो ही जीवन है. और एक चीज और मैं आपको बता दूँ गाइस, आप लोग ग्लूकोज जरूर खरीद के अपने घर में रखिए, और डेली आप पानी में डालकर ग्लूकोज को पीजिए, बिकॉज ग्लूकोज जो है वो आपकी, अभी जैसे गर्मी आ रही है और गर्मी जैसे ही मौसम चेंज होगा, और तो जहाँ पे फिलहाल मैं हूँ यहाँ पर गर्मी बिल्कुल नहीं है, बट आई नो दिल्ली साइड थोड़ी बहुत अभी सर्दी है, बट जैसे ही टेम्परेचर डाउन आएगा, लेट मी टेल यू वन थिंग कि आप लोग धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू वेदर बीमार होना स्टार्ट होंगे, तो वो स्टार्टिंग कुछ भी मोड ले सकती है. तो आप लोग अभी ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिए, हरी सब्जी खाइए, ग्लूकोज आपको डेली पानी में घोलकर पीना है, और खासकर लेमन जूस आपको बिल्कुल पीना है. गाइज ये वो पीरियड है जिस पीरियड में आपको अपनी लाइफ की सबसे ज्यादा देखभाल करनी है, सबसे ज्यादा, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज अगर आप अपनी लाइफ का अब ध्यान नहीं देंगे तो आई डोंट नो, इवन आई कांट इमेजिन कि आपके साथ आगे क्या क्या हो सकता है. सो गाइज मेरा बस एक यही छोटा सा मैसेज था जो मैं आप सबको देना चाहती थी, भगवान ना करे ये डिसीज किसी को हो, ये वायरस किसी को हो. मैं अपने तहे दिल से चाहती हूँ कि ये वायरस जल्दी से हमारे देश से खत्म हो, और जल्दी से ये हमारे देश से चला जाए. और ये सिर्फ तभी खत्म हो सकता है जब आप लोग अपना कदम बढ़ाएंगे इस चीज के लिए. कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, इन सबको भूल जाओ, बात जिंदगी की है, एक कदम बढ़ाओ जिंदगी की और अपने देश को स्वच्छ बनाओ. आपको एक मौका मिला है, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लाइक सरकारी जॉब में नहीं है, और
फोर्सेस में नहीं है, उनको मौका नहीं मिलता अपने देश की सेवा करने के लिए। गाइस एक छोटी सी सेवा कर दो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, मेरे मैसेज को हर जगह फैला दो, इसमें जो बातें आपने सुनी है इन बातों पर अमल डालो। अब खासकर अपने घर में ये बात जरूर बताओ, खासकर अपनी मदर्स को, बिकॉज एक मदर ही होती है घर की ऐसी मेंबर जो बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए इधर से उधर भागी घूमती है। प्लीज केयर करो उनकी भी, और खासकर अपनी मदर को बोलो कि हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, हम 2 महीने ऐसे ही काट लेंगे, बस आप घर में रहो। प्लीज इस वायरस को हेल्प करो, इंडिया की हेल्प करो, सबकी हेल्प करो इस वायरस को अपनी कंट्री से दूर भगाने के लिए। बस यही एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज था जो मैं आप सभी को देना चाहती थी। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको आप ग्रुप्स में शेयर जरूर करना। हो सकता है कि मेरे मैसेज के कारण शायद किसी को ये वायरस होते 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 बच जाए। तो मेरा जस्ट एक यही मोटिव था आप सबको ये वीडियो बनाने का, ये मैसेज देने का। सो थैंक यू सो मच। और यही सेम वीडियो मैं अपने YouTube चैनल मिसेज इंडिया पूजा यादव, उस चैनल पर भी मैं ये वीडियो डालूंगी, बिकॉज आई नो ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है, और हो सकता है कि इस वीडियो में कही हुई मेरी बातें शायद किसी एक इंसान के काम आ जाए या सबके काम आ जाए, बस इतनी सी ही मेरी ख्वाहिश है। सो मैं इस वीडियो को हर जगह पोस्ट करूंगी, सारे पेजेस पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, टिकटॉक पर, ट्विटर पर और यूट्यूब पर। सो गाइस अगर आप इस वीडियो को लेना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, प्लीज कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच। एंड यस वन मोर थिंग, अभी जाओ और जाकर ग्लव्स और मास्क खरीदो प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, थैंक यू।